ये देखिए जितने भी भोजपुरी फिल्में हैं उसमें अभी काम कर चुके हैं, लेकिन कभी कभी ये सामने नहीं आया, कैमरे के पीछे रहते हैं वो। देखिए भाई और ऐसा कुछ है और ये करने वाले हैं, देखते हैं क्या करेंगे। फिलहाल हम इनको एक कैरेक्टर दे रहे हैं, ये एक्टिंग करेंगे। और ये भी देखिए, हाँ नहीं नहीं ऐसी आती है हल्की फुल्की, बटन लगा लीजिए नहीं तो यहीं पे हमारा शूट होगा। अरे मतलब हरियर का लोगो तो ज्यादा जूम हो गया है। बता दो हमसे सम्मानवा हो देखने वाले के देना है क्या कि दो अच्छा था अभी वही है बना रहे हैं। देख रहे हैं टांगे ऊपर करके जा रहे हैं। एक बार और करिए आज आ गया लड़का सवाल
जब ओवर हो जाएगा तो वो व्यक्ति खुद ही स्टेज पीछे हट जाएगा, सो जाएगा। तो उसको रोकिए, तो कीजिए उसको और प्रोत्साहित कीजिए, उत्साहित कीजिए ताकि वो और एनर्जी के साथ अपने काम में कर्म में आगे बढ़ सके और अच्छे से अच्छा स्टंट दिखा सके। तो चैरिटी का भी काम बिल्कुल सही क्या है, उन्होंने वो शादी बहुत सारी लड़कियों को शादी अपने पैसे लगा के करते हैं और जहाँ पर छोटा बड़ा घटना दुर्घटना हो जाता है वो खुद से अपनी गाड़ी लेके जाते हैं और उनका इलाज खुद से करवाते हैं, उनको घर। मेरा नाम रोहित कुमार है, वैसे लोग नटखट रोहित के नाम से जानते हैं। स्टंट देख के डर नहीं लगता है कि कहीं कुछ हो जाए उनको? तो डर लगता है लेकिन एक होता है अंदर से कि ये ब्लड में हम लोग का, तो ज़्यादा ये नहीं होता है। तो थोड़ा सा पापा को कैसे हेल्प करते हैं आप कुछ हेल्प करते हैं ना ऐसे स्टंट्स में, क्या करते हैं? हर तरीके से हेल्प, जैसा वो योगदान चाहे पूछते हैं कि किस तरह का कैसा हम करें तो अच्छा लगेगा, जो नया अपडेट आ रहा है टेक्नोलॉजी के साथ उस चीज़ में उनको हेल्प करते हैं। आप उनके उनका सोशल मीडिया भी संभालते हैं? हाँ, उनका सारा अकाउंट मैं ही संभालता हूँ, सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पे आईडी जो भी दोनों। तो उस पे भी इनके वीडियोज वगैरह अपलोड करते हैं क्या, रील्स वगैरह? हाँ, ये अपलोड करते हैं वीडियो, मतलब वीडियो इनका बनाने से लेकर एडिट करके डालने तक सब कुछ मेरा ही काम होता है उसमें। ठीक, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम प्रिंस सम्राट। खतरों से भरा हुआ स्टंट करते हैं, खतरों के खिलाड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं। आपको डर नहीं लगता है? नहीं, डर लगता तो हम ऐसा स्टंट खतरनाक कैसे कर रहे थे। कब से आप करते आ रहे हैं ऐसे स्टंट्स को? करीबन हम 15 से 18 बरस पहले से ही करते आ रहे हैं। फिर कैसे मन में आया, स्टंट की शुरुआत कैसे हुई? जब हम जगदीशपुर मार्केट में अपने गांव डिलिया से आते थे, यहाँ पर जब जाते थे तो उस जमाने में से ही बाइक लिए थे हम, और बाइक से आते थे और जाते थे तो इस तरह से अपने मौज मस्ती में हमेशा एक स्टंट करते रहते थे, और करते करते हम वहाँ तक पहुँच गए कि इधर हमारे जो डीएम प्रतिमा जो वर्मा थी वो हमको 11 नवंबर को अपना सम्मान पत्र सम्मान की, भोजपुर स्थापना दिवस के दिन भी हमको वहाँ पर बुलाहट हुआ। कितने साल पहले की बात है ये? ये करीबन 10-15 वर्ष पहले की बात है, और उसी वक्त से हमारा जुनून छा गया। हम लोग के पास सकरात का मेला लगता है यहाँ पर, फर्स्ट अपना स्टैंड हम इस मेले में किए थे जहाँ पर 50,000 से 1,00,000 आदमी तो जुटते हैं यहाँ पर, और इस मेले में लोग हमको देखने के लिए इतने बड़े भीड़ लगाए ताकि वहाँ से हमको जुनून बढ़ गया कि नहीं, हमारी कला में दम है और एक कलाकार को एक पूरा दुनिया पहचानती है और दौलतमंद को तो इर्द-गिर्द के लोग पहचानते हैं। तो आप कौन कौन से खतरनाक स्टंट्स करते हैं? मैं गाड़ी पर खड़ा होकर सुतकर उठकर बैठकर चाय पी लेना, पेपर पढ़ना, फार करना, डांस कर देना, ऊपर पैर सर नीचे, और बहुत से आइटम कर लेते हैं, एक तरफ पैर करके चला लेते हैं गाड़ी। तो दुर्घटना वगैरह से डर नहीं लगता? कभी दुर्घटना हुई है नहीं, क्या ऐसा तो नहीं लगता है, कभी कभी हुआ भी नहीं है। इतने बड़ी उम्र में बाइक का बहुत बहुत शौकीन आदमी हूँ और आज तक हमको ऐसा नहीं हुआ है कभी। नहीं, आप इससे कुछ कमाई भी कर लेते हैं क्या इस स्टंट से? नहीं, कमाई क्या होता है, कमाई के लिए मैं अपना विद्यालय चलाता हूँ और इसके बाद में अस्पताल चलाता हूँ जिसमें गरीब बच्चे को भी गरीब को सबको इलाज फ्री करता हूँ, और जो भी किसान के लड़के हैं हम, हमारे पिताजी किसान है और हमने अपना किसानी थी से सब देखे हैं, और हम इस तरह के अपना सोच हमने बदल दिया कि नहीं इतिहास बनेंगे ना उपहास बनेंगे, हम देश के लिए कुछ खास बनेंगे, इसलिए हमने ऐसा काम करते रहते हैं हमेशा। और एक नया चीज़ हम हॉस्टल खोलने जा रहे हैं गरीब बच्चों के, ताकि गरीब के बच्चा भी रहकर हमारे हॉस्टल में पढ़ जाए। अच्छा, आपके माता पिता ने प्रोत्साहित किया इस चीज़ को लेकर कि वो लोग कहते थे कि मत करो ये सब खतरा है? माता पिता तो डरते थे कि इस तरह का कोई काम कर रहे हैं हम लोग, मतलब कुछ हो जाएगा तो हमारे लड़के को ऐसा ऐसा हो जाएगा, लेकिन हमको जनता से और लोगों को गरीबों से दुआ मिला। मैं हर साल गरीब बच्ची का शादी अपने पैसे से कराते हैं। आमतौर पर आपके तरह के स्टंट्समैन जो होते हैं वो फिल्मों की तरफ उनका रुख होता है, कभी आपको कोई बुलावा आया है क्या? अभी तक तो नहीं, लेकिन एक खेसारी का फिल्म नदिया के पार में जिसका अरविंद से वो डायरेक्टर थे, उसे मुलाकात हुआ था, वो बोले थे कि आप हमारे फिल्म में स्टंटमैन की जरूरत है, काम कीजिए। नहीं गया? तो हम नहीं गए इसलिए कि हम लड़के को पढ़ाने के लिए अपना फोकस उधर किए थे। क्या करते हैं आपके बच्चे?
एक लड़का मेरा सॉफ्ट इंजीनियर बेंगलोर में है एयरटेल कंपनी में, और दूसरा लड़का भी इंजीनियरिंग कर रहा है, और उसका रुख है कि हम फिल्मी दुनिया में मैंने पैर रखें। इंजीनियरिंग जो कर रहा है, जो छोटे बच्चे इंजीनियरिंग कर रहा है। अच्छा, जो ये बच्चे आमतौर पर स्टंट्स करते नजर आते हैं बड़े बड़े शहरों में, पटना हो या अन्य शहरों में, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अब हम उन लोगों के बारे में क्या कहें, हम तो कहेंगे अपना शरीर को अथी को सुरक्षित रखते हुए स्टंट करें, और एक कलाकार को पूरा दुनिया पहचानती है, स्टंट हो या गीतकार हो या संगीतकार हो, जो भी कलाकार लोग आते हैं और अपनी पहचान इससे बनती है, कला से ही पहचान लोगों की बनती है। कलाकार को अभी भी आप मेलों वगैरह में जाते हैं क्या? हाँ, बहुत जगह कहे जाते हैं, सैकड़ों विद्यालय में हमने शो दिखाया है बच्चों के बीच, और बच्चों को सैकड़ों विद्यालय में शो दिखाने का पर्व यह था कि अगर मेरे पास कला और शिक्षा नहीं होता तो मैं उन बच्चों के बीच नहीं होते। मैं बच्चों से हमेशा यही कहता हूँ कि इस दुनिया का सबसे मान्य चीज़ है मेरे दोस्तों शिक्षा है। शिक्षा का ग्रहण कर लोगे तो दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी, और जिसके पास शिक्षा नहीं है वो पशु के समान है। अपना नाम परिचय बताइए पूरा। मेरा नाम है खतरों खिलाड़ी वीरेंद्र सम्राट, मोटरसाइकिल कलाओं का बेताज बादशाह, भोजपुर के गौरव के नाम से नवाजे गए।